गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ की उड़ान वर्कशीट में इंग्लिश में ये लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, ग्रामर टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे तो ये सभी क्लासेस में इम्पॉर्टेंट है और आप देख ही रहे हैं आपके पीछे जो सेट एग्ज़ाम्स हुए हैं इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक्स, उसमें बहुत पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए ये रिवाइज़ करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इनसे इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, पहले तो आप यही समझें। डायरेक्ट तो होता है जैसे आमने सामने एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट का मतलब है कि बीच में कुछ और भी है, यानी थर्ड पर्सन बात को हम बात बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखें, डायरेक्ट स्पीच जो है, राम सेड टू मी द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो यहाँ पर राम ने कहा कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी इसकी, राम टोल्ड मी दैट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं इस तरह के, इसको हटाएंगे हम, ये एक पंचुएशन मार्क है, और दैट लगाएंगे, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, एक और एग्जांपल है, डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय, I told him, अब इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, he was a good boy, तो ये चेंज यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में, you said to me, you are a good boy, you told me, me है तो me की जगह I was a good boy, you told me that I was a good boy, आर की जगह वॉज। अगला है, माई मदर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, माई मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, माई टीचर सेड टू राहुल यू आर अ गुड बॉय, माई टीचर टोल्ड राहुल दैट ही वॉज, अब राहुल एक अलग पर्सन आ गया हमारे पास, तो ही वॉज अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, टीचर टोल्ड दैट, यहाँ पे दैट आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फादर सेड टू राम आई एम नॉट फीलिंग वेल, हिज फादर टोल्ड राम दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, द प्रिंसिपल सेड टू राम यू शुड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। तो इसका क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल सेड टू राम दैट ही शुड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, ही शुड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट है, His father said to his mother, "You are sick." His father told his mother that she was sick. यहाँ पे क्या हो जाएगा, she was sick. तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करें और इस टॉपिक को क्लियर भी करें कि क्या है इसमें, जिससे कि आप इसको एग्ज़ाम्स में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सेंटेंस है बच्चों, राम सेड टू सिया यू कुक टेस्टी फूड, इसका क्या हो जाएगा, राम टोल्ड सिया दैट शी कुक्स, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो दैट शी कुक्स टेस्टी फूड। तो इस तरह से आप इस पूरी एक्सरसाइज को करें और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें बच्चों, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर के और आपको पूरे लाइफ टाइम ये काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।